तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग A30s में आफ्टर जुलाई अपडेट के बाद कुछ लोगों के पास में डेवलपर ऑप्शन नहीं आ रहा है, या फिर उनको पता ही नहीं डेवलपर ऑप्शन को कैसे इनेबल करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर पाएंगे, अगर आपको कुछ इशू आ रहा है तो कैसे आप उसको सही कर पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक्स में। तो फर्स्टली दोस्तों, अगर आपको इनेबल करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप सबसे नीचे जाएंगे अबाउट फोन में। अबाउट फोन में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में, आपको दिख रहा होगा। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, आपको यहाँ पर बिल्ड इन नंबर दिख रहा है, देखिए बिल्ड नंबर दिख रहा है ना, इसको आपको यहाँ पर प्रेस करना है। 1 2 3, आप नीचे देखेंगे दिखने में लगेगा 4 5 6 एंड देन 7वां। 7वां प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर मांगेगा आपका पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड है आप डालना है, पासवर्ड डाल लीजिए। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आ चुका है, बाहर आ जाइए यहाँ से। बैक आएंगे तो आपको यहाँ नीचे सबसे नीचे आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर जाएंगे, आपको डेवलपर ऑप्शन पर जाने का इसको कर दिया ऑन। ऑन करने का जो भी आप यहाँ पर एक्सटर्नल सेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ सेटिंग कर सकते हैं, और वापस अगर आप सेटिंग को हटाना चाहते हैं तो वापस यहाँ से बंद करेंगे, तो जो भी आपने सेटिंग इनेबल रखी है तो वो बंद हो जाएगी। तो ऐसे ये इनेबल होता है। और अगर ये है कि अभी कुछ लोगों के पास वो अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है, बहुत इश्यू आ रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट होने के, अगर आपको मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, अगर वो ट्राई करके देखिए अगर आपको वहाँ से सोल्यूशन मिलता है क्या, उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर जनरल मैनेजमेंट में। जनरल मैनेजमेंट का आने के बाद आपको यहाँ जाना है रीसेट में। रीसेट में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है रीसेट सेटिंग पे, तो इसको कर लेना है रीसेट सेटिंग। रीसेट सेटिंग में जाने के बाद होगा क्या, आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, पर्सनल डाटा कोई डिलीट नहीं होगा इसमें। आपकी जो भी सेटिंग होंगी, आपने जो सैमसंग में सेटिंग्स करके रखी होंगी, लाइक रिंग टोन्स, वॉलपेपर्स एंड बहुत सारी जो सेटिंग्स होती हैं छोटी छोटी, वो पूरी सेटिंग्स पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, एज अ न्यू सेटिंग्स आ जाएंगी। बाकी आपका डेटा पूरी तरह से सेव रहेगा, और उसके बाद आप जो ट्राई करके देखिएगा कि आपका वो चल रहा है नहीं चल रहा। अगर उसके बाद भी इनेबल नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको फैक्ट्री डाटा रीसेट ही करना पड़ेगा। उसके बाद ट्राई करिएगा तो 100% आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, जो कि मुझे 100% यकीन है कि उससे सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो पहले आप एक बार रीसेट सेटिंग करके देखिएगा, अगर उसके बाद भी नहीं मिलता है तो आप वहाँ पर वो ट्राई कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना भी ना भूलें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।